दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ वालों के लिए, मैट्रिक बोर्ड छात्रों के लिए 2022 के लिए, जो भी छात्र एग्जाम देना चाह रहे हैं बिहार बोर्ड से उन सभी छात्रों के लिए। यहाँ पे मैथमेटिक्स गणित का चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों, बहुपद पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये पार्ट फोर है, इनसे पहले मैंने आप लोग के यहाँ पे पार्ट थर्ड तक जो अपलोड कर दिया है दोस्तों, जो छात्र नहीं देखे जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोग वहाँ पे बताया, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, तो जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं तो आप हमारे इस वेबसाइट के मदद से कर सकते हैं, starcast.com। इस वेबसाइट पे आप लोगों को हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल हिंदी मीडियम छात्रों के लिए उपलब्ध कराया गया है दोस्तों, वो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ है मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक के रूप में। तो आप लोग जाके प्रैक्टिस सेट कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह जैसे नया वीडियो करूँगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। वीडियो को हर जगह शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह पार्ट फोर है। इससे पहले मैंने पार्ट तीन जो अपलोड कर दिए हैं दोस्तों, पार्ट वन और पार्ट टू और पार्ट थ्री, तो जाकर आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो उस बुक को देख के। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोग वहाँ पे सिलेक्ट करके लाए हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बने रहिएगा दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है? मूलों का गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए के जगह पर क्या है? 1। बी के जगह पर क्या है? 7। सी के जगह पर क्या है? 10। तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, यानी मूलों का गुणनफल निकालना है। मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। सी के जगह पर क्या है? 10। और ए के जगह पर क्या है? 1 बराबर 10, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद वाई क्यूब माइनस 2y² माइनस रूट 3y प्लस 1/2 का घात क्या होगा? क्या है? वाई क्यूब माइनस 2y² माइनस रूट 3y प्लस 1/2 का घात क्या होगा? तो बहुपद किसको बोलते हैं? जिसमें सबसे बड़ी घात हो। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, तो बहुपद निकालो। बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड? द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस मूलों का योग कितना दिया गया है? 2x अब प्लस मूलों का गुणनफल कितना दिया गया है? -15। तो -15 लिखेंगे बराबर 0। तो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस और माइनस गुना करेंगे तो -15 बराबर 0। किस ऑप्शन में है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक 0 है तो 2 अन्य शून्यांक का योगफल क्या होगा? क्या है? यदि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक 0 है तो इसके 2 अन्य शून्यांक का गुणनफल क्या होगा? क्या होगा? सी बाय ए, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी का मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 5x प्लस 8 पूर्णतया एक्स माइनस 2 से विभाज है। क्या है? पी का मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 5x प्लस 8 पूर्णतया एक्स माइनस 2 से विभाज है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक्स क्यू प्लस 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8 बराबर 0। अब इसके बाद क्या दिया गया है?
एक्स माइनस टू से भाज है, यानी एक्स माइनस टू बराबर जीरो लेंगे तो एक्स बराबर क्या होगा, दो। तो एक्स बराबर दो जो निकाले हैं तो क्वेश्चन में एक्स के जगह पे दो रखेंगे, तो दो का क्यू प्लस फोर इंटू दो का स्क्वायर माइनस पी गुने एक्स के जगह पे दो प्लस एट बराबर जीरो। क्या है, दो दुने दो का क्यू क्या होगा, आठ प्लस दो का स्क्वायर चार, चार चौका सोलह माइनस दो पी प्लस एट बराबर जीरो, यानी सोलह आठ चौबीस प्लस आठ बत्तीस माइनस दो पी बराबर जीरो। बत्तीस दो पी उस साइड गया, आर एच एस साइड माइनस था तो उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा दो पी, तो पी के जगह पर क्या है बत्तीस बाय दो बराबर पी बराबर क्या होगा बत्तीस, दो से बत्तीस काटेंगे तो सोलह होगा, पी बराबर सोलह। सोलह किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दस का स्क्वायर टू है बराबर पच्चीस तो दस माइनस वाई बराबर होगा। क्या है, दस का स्क्वायर इंटू वाई बराबर पच्चीस को कैसे लिखेंगे, पच्चीस का पाँच का स्क्वायर लिखेंगे, दोनों साइड वन बाई टू से पावर में गुना करेंगे, टेन का स्क्वायर इंटू वाई पावर में वन बाई टू से गुना करेंगे, ये साइड भी पाँच का स्क्वायर पावर में वन बाई टू से गुना करेंगे। क्या होता है, ए का पावर एम उसका पावर एन होता है तो ए का पावर एम इंटू एन लिखते हैं। तो क्या है, दस का वाई लिखेंगे और दो गुने वन बाय दो बराबर पाँच का स्क्वायर पाँच दो गुने वन बाय टू, दो दो कैंसिल हो गया, दो दो सेट भी कैंसिल हो गया, टेन का पावर वाई बराबर फाइव। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए का पावर माइनस एन बराबर क्या होता है वन बाय ए का पावर एन। तो 10 का पावर y बराबर 5 है तो 1 बाय फाइव बराबर 1 बाय टेन वाई लिखेंगे हम, तो 10 का पावर माइनस y बराबर 1 बाय फाइव किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, वही निकालना है 10 का पावर माइनस y। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि f ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा बीटा हो तो, यानी 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 बराबर जीरो है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो a बराबर क्या है दो, b बराबर क्या है 6, c बराबर क्या है माइनस 6। तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाय a माइनस b के जगह पे क्या है 6, a के जगह पे क्या है दो, दो तिया 6 माइनस 3। अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल क्या होता है सी बाय ए, सी के जगह पर क्या है माइनस सिक्स और एक एक जगह पर क्या है दो बराबर माइनस थ्री। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा है, तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, यानी माइनस थ्री बराबर थ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद है ये भी है और ये रैखिक बहुपद भी है लेकिन ये नहीं है, कैसे नहीं है, एक्स का एक्स माइनस वन का पावर माइनस वन हम लिख सकते हैं लेकिन ये बहुपद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3 हो तो x का मान निकालो। क्या है, 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x
माइनस जीरो पॉइंट थ्री सेवन लिखेंगे और माइनस उधर है 0.3, तो एल एच एस सेट लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 0.3 बराबर 0.37 एक्स आर एच एस सेट है और एल एच एस सेट क्या है 0.3x, तो माइनस 0.3x, तो माइनस 0.37 प्लस 0.3 क्या होगा माइनस 0.07 बराबर 0.37x माइनस 0.3x बराबर क्या है 0.07x, तो x बराबर क्या है माइनस 0.07 बटे 0.07 0707 गया तो माइनस 1, x का बराबर x बराबर क्या होगा माइनस 1, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा, यानी क्या है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर, यानी 64 के वर्गमूल बट्टे 64 के घनमूल, तो 64 का रूट क्या है 8 बटे 64 का घनमूल क्या होगा 4 × 4 × 4 यानी 8/4 लेंगे तो 4 × 8 यानी 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है, यानी क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो उसको हम गुणनखंड निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गुने 1 बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को गुना करके और भाग करके 2x पुराना है, तो x प्लस x लिख सकते हैं बराबर 2x और x गुने x बराबर होता है एक्स स्क्वायर, तो 2x को लिख सकते हैं x प्लस x आप प्लस 1 पहले से है बराबर 0, तो x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर में एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स बचेगा प्लस 1 प्लस एक्स, एक्स प्लस 1 में कॉमन होगा 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो क्या है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स प्लस 1 बराबर 0 क्या होगा एक्स बराबर माइनस 1 और x बराबर माइनस 1, माइनस 1 और माइनस 1 यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद 2 − x² + x³ में x स्क्वायर का गुणांक होगा, यानी 2 − x² + x³ में x स्क्वायर का गुणांक होगा, x स्क्वायर का गुणांक क्या है माइनस 1 यानी ऑप्शन नंबर बी।